इंफॉर्मेशन एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस ऑफिस क्या चीज होती है, सॉरी पावर पॉइंट, देखो एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जैसे ही आप एमएस पेंट खोलते हो, सबसे पहले खोलने का तरीका, एमएस पेंट खोलते कैसे हैं, एमएस पेंट खोलते कैसे हैं, और देखो ये अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन है, क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे चित्र बने हुए होते हैं, क्या बने हुए होते हैं, छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, इन चित्रों को पता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइकन, आइकन बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, आइकन। और जिस गहरी नीली पट्टी के ऊपर स्टार्ट होता है, स्टार्ट लिखा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार, क्या बोलते हैं, टास्क बार, ठीक है। तो सबसे पहले एमएस पेंट खोलने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखते भी रहना, एस टी ए आर टी, किस पे क्लिक करना है सबसे पहले, अब देखो एक लोचा हुआ है इसके अंदर, क्या लोचा है, आप विंडो एक्सपी में देखते हो, किसमें, विंडो एक्सपी में, तो आपको स्टार्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ध्यान देना इधर, विंडो एक्सपी में आप देखते हो तो उसमें आपको स्टार्ट बटन मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टार्ट बटन, और वहीं अगर आप विंडो 7 में खोलते हो किसको, स्क्रीन को, तो आपको ऑफिस बटन मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑफिस बटन, तो ऑफिस बटन को, ऑफिस बटन को स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, ऑफिस बटन को क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, स्टार्ट बटन बोल दो चाहे ऑफिस बटन बोल दो, ऑफिस बटन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये आपको एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस के अंदर मिलेगा ये, ठीक है, इसलिए इसको ऑफिस बटन बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले कहां पे क्लिक करना आपको, स्टार्ट पे, आपका प्रैक्टिकली स्टार्ट हो गया, आप सिस्टम में जाओगे तो यही कर रहे थे शायद इससे पहले भी, लेकिन आज भी आपको यही करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो इसके अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा आर प्रोग्राम, क्या मिलेगा, आर प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है एसी सीरीज पे, ए डबल सी ई, एसी सीरीज पे क्लिक करना है, और जैसे आप एसी सीरीज के ऊपर क्लिक कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा पेंट, ये तो अपना लॉन्ग तरीका, लंबा तरीका, सबसे पहले किस पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे बोलो, उसके बाद आर प्रोग्राम के बाद एसेसरीज के बाद पेंट, ठीक है, वेरी गुड, ये तो है लंबा तरीका। अब देखो शॉर्ट तरीका, मैंने किसको बताया नहीं है शॉर्ट तरीका, किस बेच में, तो इससे पहले बेच में पेंसिल दौड़ दो, किसी को नहीं बताया, आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो कीबोर्ड होता है ना, क्या होता है, कीबोर्ड के अंदर आपको एक की मिलेगी सी टी आर एल, ठीक है, इसको भी छोड़ देना है, इसे जस्ट आगे आपको विंडो की मिलेगी ऐसे, क्या मिलेगी, विंडो की, इसको आपको दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है, और इसको प्रेस करके रखना है, इसके साथ में प्लस दबाना है आर, क्या दबाना है, विंडो प्लस आर, जैसे ही आप विंडो प्लस आर दबाते हो तो आपके सामने एक फाइल खुलेगी जिसका नाम होगा रन, क्या नाम होगा, रन, आप उस रन फाइल के अंदर, रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना,
हम यहाँ पे दौड़ने खोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे खोजना, क्या बोलेंगे खोजना, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लिखना है बगैर किसी स्पेस के एम एस पी ए आई एन टी, क्या करना है एम एस पेंट लिखना है, लिख रहे हो ना साथ साथ, नहीं लिख रहे ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि क्या लिखना है दोबारा से, एम एस पेंट लिखना है। एम एस पेंट जैसे आप लिखते हो तो एंटर की होती है, सभी जानते हो कीबोर्ड में एंटर की प्रेस करनी है आपको, और जैसे एंटर की दबाते हो तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आ जाती है, वो स्क्रीन होती है ये वाली स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन होती है ये वाली, इधर होता आपका टूल बॉक्स, ये होता आपका कलर बॉक्स, ये होता है माउस पॉइंटर की स्थिति को दर्शाने के लिए, ठीक है। अब देखो लिखो मेरे साथ साथ एमएस पेंट को स्टार्ट करने के लिए, हाँ जी हाँ धीरे धीरे चला, एमएस पेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद इधर देखो ऐसे लिख लो, इसके बाद एरो का निशान बना लो, आप लोग बनाइए, उसके बाद लिख लो आल प्रोग्राम, क्या लिखना है आल प्रोग्राम, उसके बाद फिर एरो का चिन्ह बना लो, उसके बाद लिखो एसेसरीज, एसेसरीज ठीक है, उसके बाद लिख लो क्या हाँ पेंट है, एम एस पेंट है, एम एस पेंट लिखिए, बहुत अच्छा। दूसरा तरीका देख लो, शॉर्ट तरीका, विंडो कीबोर्ड में विंडो बटन को दबाना है, ठीक है, प्लस में आर प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है आर, विंडो प्लस आर प्रेस करना है, और इसमें आपके सामने खुल जाएगी रन फाइल, कौन सी फाइल खुलेगी रन फाइल, रन फाइल मिल जाएगी, तो रन फाइल में आपको लिखना है बगैर किसी स्पेस के एम एस पेंट, एम एस पेंट, एम एस पेंट जैसे आप लिख देते हो उसके बाद में आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, कर दिए शाबाश। अब देखो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो आपकी स्क्रीन पे एमएस पेंट खुल जाएगा, ऐसा डायग्राम आप भी बनाओ, वर्किंग एरिया इधर होता है,
टूल बॉक्स जो होता है कलर बॉक्स ये होता है माउस MOUSE माउस पॉइंटर माउस पॉइंटर रेटिंग माउस पॉइंटर रेटिंग यहाँ पे आपको मिलेगा इधर माइनस इधर प्लस बोलते हैं जूम लेवल जूम लेवल देखो जल्दी करो देखिए अब देखो एमएसपेंट होता क्या है इसके बारे में क्यों एमएसपेंट का उपयोग विशेष प्रकार की ड्राइंग विशेष प्रकार की ड्राइंग व चित्र बना सकते हैं चित्र बना सकते हैं ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है ये एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है अब देखो आपको बताया होगा कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं कौन से होते हैं एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की देखेंगे वे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए किया जाता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या किसको बोलेंगे वे सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से कंप्यूटर चलता है जैसे कि अपना विंडो और देखो इसको एमएस पेंट को सिस्टम सॉफ्टवेयर किसलिए बोलते हैं क्योंकि एमएस ऑफिस को सॉरी एमएस पेंट को डालने के लिए अलग से कोई सेटअप या सॉफ्टवेयर नहीं होता ये विंडो के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है एक चीज और छूट गई थी इसके अंदर ये थी टाइटल बार क्या है ये और लिख लो टी आई टी एल ई टाइटल बार फाइल है एडिट है ना कलर है क्या बोलते इसको टाइटल बार ये अपना वर्किंग एरिया हो गया कार्यकारी क्षेत्र ये भी है शाबाश अब देखो एमएस पेंट के अंदर सबसे पहले देखते हैं टूल बॉक्स के बारे में स्टार्ट करना आपको आ गया कैसे स्टार्ट करोगे बोलिए बताओ भाई लंबा तरीका बताओ तो तुम्हें किस पे क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे उसके बाद आर प्रोग्राम पे उसके बाद एसएसएच पे उसके बाद पेंट पे वेरी गुड अब देखो एमएस ऑफिस जैसे ही आप करते हो इसके अंदर एमएस पेंट जैसे आप खोलते हो इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा टूल बॉक्स में
सबसे पहला जो टूल आता है वो आता है फ्री फ्रॉम और एक आता है सिलेक्ट, क्या आता है सिलेक्ट, एक तो होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्ट और एक होता है सिलेक्टेड। अब देखो फ्री फ्रॉम सिलेक्ट क्या होता है, ध्यान देना है, जैसे कि आपने कोई पेंटिंग बना ली, क्या कर ली पेंटिंग बना ली, ये मानो कोई फ्लावर का चित्र आपने बना लिया या फिर कोई पेड़ का चित्र आपने बना लिया, ठीक है, और ये पेड़ क्या था कि थोड़ा पेंटिंग के बीच में बढ़ गया और आप इसके पास में कुछ और चीज और बनाना चाहते थे, कुछ और बनाना चाहते थे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो फ्री फ्रॉम सिलेक्ट के बारे में,